Mr. Sancho. May I? Sniff it, Mr. Sancho. Sniff it. Not me. Him. मैडम मुझे लगता ही है ना परफ्यूम लगा के नहीं आता हूँ। परफ्यूम नहीं मिस्टर साजो, मुझे मुझे प्यास की खुशबू खुशबू ने बदबू बदबू आ रही है मुझे प्यास की। मेरी मैडम मेरी थोड़ी ना नाक बंद है तो मुझे मेरी तो खुली है मिस्टर साजो, मुझे इतनी बदबू आ रही है कि घुट रहा है मेरा तब घुट रहा है कंप्लीट मिस्टर साजो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चक्कर खा के कहीं इनके ऊपर ही ना गिर जाऊँ। इसके ऊपर मत गिरना मैडम, बुजुर्ग है ना। मैन कि वो मुझे धोकर अगली बार पहने, सेम सेम ना पहने। मिस्टर साजन मैन टू मैन आप बात कर लीजिए, मैं नहीं कर पाऊँ। आप टेंशन मत लीजिए मैम, मैं देख लेता हूँ उसको अच्छे से। या अगर कल ये दोबारा ये प्याज की बदबू वाले मोजे पहन के आया ना तो मैं इसके प्याज की तरह छिलके उतार दूंगा। ये टीन फ्लो क्यों नहीं आ रहा है? बहुत प्याज खा के आए हो क्या? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ मैडम? गुड पैंट्स मिस्टर साजन। गुड पैंट्स तो ब्लैक ही तो है वो, तो कितनी बार पहन ली मैंने। खुद जो फिरोजा पत्थर लग रही है उसका क्या फिर? गुलाबिया 12 है पूरे, गिन ले। हाँ हाँ भाभी गिन लिए। और बता गुलाबिया, कॉलोनी में क्या चल रहा है? क्यों भाभी, मैं क्या आपको मोहल्ले की चुगलखोर चिड़िया लग रही हूँ जो मैं आपको सारी खबरें देती फिरूं? मैं तो सोच रही थी हर एक कपड़ों के साथ तेरे एक रुपए बढ़ा दूं, लेकिन अब ठीक है। अब भाभी मैं तो खुद ही आपको एक ताजा खबर देने वाली थी। अब आई ना लाइन पे, बता। तो भाभी वो है ना सुनीता नहीं है, अरे जो गली के आखिर में रहती है, उसका तलाक हो गया भाभी। क्या बात कर रही है, वही सुनीता ना जो कुंदन का हार पहन के घूमती थी? नहीं भाभी वो नहीं, अरे वो सुनीता जो नागिन वाली बिंदी लगाती है। मुझे तो लग रहा है उसकी बिंदी की नागिन ही ना उनके रिश्ते को डस गई है। हाय राम, लेकिन हुआ क्या है? होना क्या था भाभी, पति पूरे दिन ऑफिस में काम करता और सुनीता बेचारी दिन भर घर के कामों में मरी रहती। पति लौट कर घर आता, सुनीता हमारी उबासियां लेती रहती, ना दोनों कहीं घूमने जाते ना साथ में टाइम स्पेंड करते। अब भाभी देखो तलाक तो होता ही ना।